हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। इंडियन पॉलिटी के फर्स्ट लेक्चर में हमने लोकसभा के बारे में डिस्कस किया था, आज हम लोग राज्यसभा के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी में, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है फ्रेंड्स, वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। जो भी हमारा बिल पास होता है, जो भी नया कानून बनता है, वो इसी सीक्वेंस में बिल पास होता है। सबसे पहले बिल जाएगा लोकसभा में, वहाँ पास होगा, फिर राज्यसभा में, वहाँ पास होगा, और उसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट है वो जो है बिल को साइन करते हैं, उसके बाद ही बिल पास होता है और कोई नया कानून जो है वो बनता है। राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस भी कहते हैं, परमानेंट हाउस भी कहते हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसके मेंबर्स हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज द्वारा चुने जाते हैं, यानी जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के एमएलएज हैं वो लोग चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। परमानेंट हाउस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसके मेंबर्स हैं वो अपना टेन्योर कंप्लीट करते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे सरकार रहे या चाहे सरकार ना रहे, लेकिन ये लोग जो है राज्यसभा के मेंबर्स, ये अपना टेन्योर कंप्लीट करते हैं। अपर हाउस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसके मेंबर्स होते हैं उनका कुछ स्टेटस रहता है सोसाइटी में, कुछ दर्जा रहता है, अनलाइक लोकसभा मेंबर्स जहाँ पे कॉमन पीपल चुन के आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जब मैंने लोकसभा आपको बताया था कि यूके से लिया गया है अपर हाउस एंड लोअर हाउस का कॉन्सेप्ट। राज्यसभा मेंबर्स का जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर्स का होता है, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए कि 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स। तो जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, जितने भी उनकी मैक्सिमम टोटल स्ट्रेंथ होती है, उसके 1/3 जो मेंबर्स हैं वो हर 2 साल पर रिटायर होते हैं और फिर जो है नए मेंबर चुन के आते हैं। जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, बेसिकली जो कि सारी प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करते हैं, जो प्रिसाइड करते हैं, वो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है राज्यसभा के मेंबर्स की, वो होती है 250। इससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकते हैं मेंबर्स, लेकिन इससे कम ज़रूर हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आजकल हमारी स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, वो है 245 मेंबर्स की। तो आइए इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। 238 जो मेंबर्स होते हैं आउट ऑफ 250, वो हमारे इलेक्टेड होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज से। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के जो एमएलएज हैं वो इलेक्ट करते हैं 238 मेंबर्स को, और जो बाकी के 12 मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट हमारे नॉमिनेट करते हैं। अब ये देखिए, प्रेसिडेंट किसे नॉमिनेट करते हैं, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। तो जो उसका क्राइटेरिया दिया गया है वो दिया है कि पर्सन्स हु हैव स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मैटर्स एज लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल साइंस। तो जिसको भी हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करना चाहते हैं राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, उनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, चाहे वो लिटरेचर की फील्ड में हो, साइंस की फील्ड में हो, आर्ट की फील्ड में हो, या फिर सोशल सर्विस की फील्ड में हो। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो एज लिमिट है, मिनिमम एज जो प्रिस्क्राइब की गई है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, वो की गई है 30 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट पॉइंट इज, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट की तरफ से कोई और सैलरी ना उठा रहे हो, आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो, कोई पब्लिक सर्वेंट ना हो, क्योंकि आप दो जगह से सैलरी नहीं उठा सकते हैं गवर्नमेंट से। आप राज्यसभा के मेंबर भी हैं और आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड। तो अनसाउंड माइंड का मतलब ये होता है कि उनको कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनका मानसिक संतुलन बेसिकली वो ठीक होना चाहिए, क्योंकि अगर उनको मानसिक संतुलन ही उनका ठीक नहीं रहेगा तो वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे हमारे देश हित में। नॉट बी एन सब्जेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट का मतलब फ्रेंड्स ये होता है बैंकरप्सी या कंगाल हो जाना। तो इतना लोन उनके पास नहीं होना चाहिए कि वो अपना लोन चुका ना पाए, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो ठीक ठाक होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज जॉइंट सिटिंग। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जॉइंट सिटिंग क्या होती है, जब हमारी लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठ के किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं तो उसे हम लोग जॉइंट सिटिंग कहते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, देखिए जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जो भी बिल होता है, जो भी पास होना होता है, वो पहले लोकसभा में होता है, फिर राज्यसभा में होता है, और उसके बाद प्रेसिडेंट उसको साइन करते हैं।
लेकिन मान लीजिए जब लोकसभा से बिल पास हो गया और राज्यसभा ने उसको पास नहीं किया, उसने वापस भेज दिया लोकसभा के पास कि इसमें इन इन चेंजेस की जरूरत है, और ऐसा कई बार चलता रहा। मैक्सिमम ये सिर्फ 6 मंथ्स तक ही चल सकता है, उसके बाद अगर बिल पास नहीं होता है तब भी तो हमारे प्रेसिडेंट के पास ये पावर रहती है कि वो दोनों हाउसेस को समन कर सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा को भी। समन का मतलब ये होता है कि दोनों को बुला सकते हैं अपनी हाजिरी में। प्रेसिडेंट की पावर बस इतनी ही रहती है कि वो दोनों हाउसेस को समन कर सकते हैं और दोनों हाउस बैठ के डिस्कशन करते हैं उस बिल के ऊपर, और एट द एंड ऑफ द डे वो बिल पास हो ही जाता है। वो इसलिए पास हो जाता है क्योंकि हमें पता है लोकसभा में जो हमारे मेंबर्स हैं उनकी वो पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है बजाय राज्यसभा के मेंबर्स में, तो जो मेजॉरिटी अगर डिसीजन लिया जाएगा तो एट द एंड ऑफ द डे वो पास ही हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स, वो ये है कि जो जॉइंट सिटिंग होती है उसको हेड कौन करता है, तो उसको लोकसभा के जो चेयरमैन होते हैं, जो स्पीकर होते हैं इस वक्त जो हमारी सुमित्रा महाजन है, वो हेड करेंगी अगर कोई भी हमारी जॉइंट सिटिंग हुई लोकसभा और राज्यसभा की, तो ना कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हेड करते हैं जो कि चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, हमारी लोकसभा के चेयरमैन जो है वो उसको हेड करते हैं। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक में इतना ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो पेपर वन से रिलेटेड यूजीसी नेट के, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें वो भी सजेशन दे सकते हैं, हम जरूर डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।